गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जब तक आप साथ हैं हम घास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम घास रहेंगे। टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हमने पिछले वीडियो हमने भेजा था साइंस का, कुछ दिन आपके पास कोई वीडियो नहीं पहुंच पाया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। क्योंकि इस समय हम लोग इंटरमीडिएट पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था, इंटरमीडिएट का एक पूरा बैच फुल हो चुका है और उनकी पेड क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए कुछ टाइम की कमी थी, इस वजह से आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाए। अब आगे से सारे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचेंगे। साइंस में हमने आपको बताया था कि आपकी साइंस जो है मेन तीन पार्टों में बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हमने सबसे पहले आपको फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था, जिसे कहते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको टॉपिक यही लगेगा, सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आएगा आपको, ठीक है। इसमें केवल आपकी दो ही यूनिटें हैं फिजिक्स में, एक है लाइट और दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने लाइट सबसे पहले शुरुआत की थी, लाइट, ठीक है। लाइट में सबसे पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का, सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हमने आपको बता दिया था, प्रकाश क्या चीज़ है वो बताया था, प्रकाश के लक्षण बताए थे, गोली दर्पण के बारे में खूब डिटेल बताया था। तो गोली दर्पण हम आपको एक बार फिर से बताए दे रहे हैं, ठीक है, और उसके आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था आपको गोली दर्पण क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा आपको बता दिया था, फिर भी हम दोबारा बता दे रहे हैं जिससे रिवाइज आपका हो जाए। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण को क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब जरा ध्यान दीजिए, नाम से पता चल रहा गोलीय, ठीक है, गोल, ठीक है। तो गोली दर्पण क्या होते हैं, कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए गए दर्पणों को क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कांच का खोखला गोला, जैसे फुटबॉल वगैरह होती है, ये कांच का एक खोखला गोला है। हमने क्या किया, इसमें से एक टुकड़ा काट दिया, इस गोले में से हमने इतना टुकड़ा निकाल लिया, ध्यान दीजिएगा बहुत, हमने इस गोले में से इतना टुकड़ा काट के अलग कर दिया। अब हमने इस टुकड़े, ध्यान देना, इस टुकड़े में एक तरफ पॉलिश कर दी, हमने पेंट कर दिया, पेंट, एक तरफ पॉलिश कर दी, तो ये जो हमें मिला इसे कहेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। इनके एक पृष्ठ पे हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये भी हमने आपको बताया था, फिर भी बता दे रहे दोबारा से, गोली दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गोली दर्पण अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा जरा, उत्तल दर्पण, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आपको साइंस में कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस मन लगा के समझते रहिएगा, सब हम आपको एक एक चीज़ समझा देंगे। देखिए, अवतल शब्द का अर्थ होता दबा हुआ, अवतल का मतलब अंदर गड्ढा, दबा हुआ ऐसा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अवतल का अर्थ होता है दबा हुआ, और उत्तल का अर्थ होता है उभरा हुआ, बस ये ध्यान रखिए, कभी गलती आपसे नहीं होगी। तो अवतल दर्पण क्या होता है, जरा ध्यान दे, डायग्राम समझा रहा है, ऐसे गोली दर्पण जिसके दबे हुए, ये देखिए अंदर वाला भाग, जिसके दबे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ये प्रकाश किरण गई और ऐसे परावर्तित हो गई, ठीक है, ऐसे गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। देखिए, उभरे हुए भाग पर पॉलिश है, तो ऐसे दर्पण क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण किस पे टकरा रही है, प्रकाश किरण अभी अगर दबे हुए हिस्से पे टकरा रही है, दबे हुए, तो वो अवतल दर्पण है, और अगर प्रकाश किरण उभरे हुए हिस्से पे टकरा रही है तो वो उत्तल दर्पण होगा, इसे पहचान लीजिएगा। अब देखिए, उत्तल दर्पण की क्या परिभाषा हो जाएगी, ऐसा गोली दर्पण, ध्यान दीजिएगा, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे, देखिए अभी उभरे हुए भाग पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, प्रकाश किरण उभरे हुए भाग पे टकराई और परावर्तित हो गई, और दबे हुए भाग पे पॉलिश है, दबे हुए भाग पे क्या है,
पॉलिश है। तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। फिर समझ लीजिए, पूरा क्वेश्चन अगर आता है तो इस तरीके से पूछा जाता है, गोली दर्पण से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लिखेंगे ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग, ध्यान दीजिए, दबे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए भाग पर पॉलिश का मतलब पेंट होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। और ऐसे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पे प्रकाश का परावर्तन होता है और दबे हुए भाग पे पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ध्यान रखिए, अवतल को कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये बात ध्यान रखिएगा, अवतल का मतलब दबा हुआ, अंदर गड्ढा हो जिसमें वहां पे टकराए किरण, उत्तल का मतलब उभरा हुआ, उभरे हुए भाग पे किरण टकराए। बस आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में हम दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बताएंगे, ठीक है। दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, वो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर इन दर्पणों के हम यूज बताते हैं, क्या क्या यूज है, इनके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान दीजिए। अब दर्पणों से संबंधित, दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं ये पूछी जाती है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। कुछ परिभाषाएं दर्पणों से संबंधित, कुछ परिभाषाएं आप समझ लीजिए, ये पूछी जाती है शॉर्ट नोट्स में, पूछ ली जाती हैं। आप लोग नोट्स की कतई चिंता ना करें, थ्योरी आप केवल समझें, जितना हम आपको समझा रहे हैं एक एक डिफिनीशन आप बहुत ध्यान से समझते जाइए। नोट्स वगैरह हम सब आपको सारा इंतजाम करा देंगे, अभी केवल आप लोग समझने की कोशिश करें। जो भी हम डिफिनीशन समझाएं उसे मन लगा के समझें, जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसे मन लगा के समझें, फिर आपका हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कोचिंग में जब आपका हो जाएगा तो आपको नोट्स वगैरह थोड़े थोड़े करके हम देते जाएंगे और एक एक परिभाषा आपको चार चार पाँच पाँच बार हम समझा देंगे। फिलहाल दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझ लीजिए। सबसे पहले आता है दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ध्रुव जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोल, ध्रुव क्या होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। कोई भी दर्पण ले लें, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, ये कोई दर्पण है यहाँ से यहाँ तक, कोई सा ले लें, इसके बाहर पॉलिश है, बाहर पॉलिश है, अंदर की ओर ये दबा हुआ जो भाग है इसमें प्रकाश का परावर्तन होगा, इसका मतलब ये अवतल दर्पण है। फिलहाल उससे हमें भी कोई मतलब नहीं है। ध्रुव क्या होता है हमें यह सीखना है, ध्रुव क्या होता है, किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है यहाँ से यहाँ तक, इसे कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। इसका जो बिल्कुल मध्य बिंदु होगा, बीचों बीच में मिडिल पॉइंट जो होगा, मध्य बिंदु होगा, उसे कहेंगे दर्पण का ध्रुव, और इसे डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। तो किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में जो पॉइंट होता, बस एक लाइन की परिभाषा है। उसके बाद में आता है दर्पण का वक्रता केंद्र, इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, बहुत ही आसान है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ये कांच का खोखला गोला है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये कांच का खोखला गोला है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर है। अब हमने क्या किया, इस गोले में से इतना टुकड़ा काट के निकाल लिया, इतना टुकड़ा हमने गोले में से काट लिया, बस। तो जो हमने काट के निकाला, इसे हमने दर्पण बना दिया, इसे हमने दर्पण बना दिया। तो जो पूरे गोले का केंद्र था, वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। जो पूरे गोले का केंद्र था, ठीक है, वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो परिभाषा क्या निकल के आएगी, ध्यान दीजिएगा,
गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर समझ लीजिए, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है। फिर तीसरा है वक्रता त्रिज्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र को क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, कुछ राइटर्स की बुक में स्मॉल आर भी लिख देते हैं, उससे कंफ्यूज ना होइएगा, चाहे स्मॉल आर या कैपिटल आर में से कुछ भी लिख सकते हैं, फिलहाल कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या बहुत आसान है, ये कोई गोली दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये इसका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है पी, और ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसी को कहते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो परिभाषा क्या निकल के आएगी, किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई, यह है वक्रता केंद्र, यह है ध्रुव, और इनके बीच की ये जो दूरी है इसे कहते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। बात समझ में अच्छी तरीके से आपको आ गई होगी। अगली परिभाषा हम देखते हैं, उसके बाद में आता मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस इसे कहते हैं इंग्लिश में, बहुत आसान है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, बहुत आसान, क्या कर लिखेंगे ध्यान दीजिए। ये देखिए गोली दर्पण है, ध्यान से समझिएगा, ये इसका ध्रुव है और ये इसका वक्रता केंद्र है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा सीधी, कितना भी आगे तक बढ़ाते चले जाएं, ये देखिए ध्यान दीजिए, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर समझ लीजिए, किसी गोली दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी। अगली डिफिनेशन इसमें देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चार डिफिनेशन हो गई, पहली क्या थी ध्रुव, दूसरी क्या है वक्रता केंद्र, तीसरी क्या है वक्रता त्रिज्या, चौथी क्या मुख्य अक्ष। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशन है वो है दर्पण का मुख्य फोकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दर्पण का मुख्य फोकस जिसे हम केवल फोकस भी कह सकते हैं, ये वाली बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा खूब पूछी जाती है। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, देखिए दो तरीके के हमने दर्पण आपको बताए, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अब देखिए दोनों में हम बता दे रहे हैं मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी। जैसे अवतल दर्पण अगर है, ये अवतल दर्पण है, देखिए अंदर की ओर दबा हुआ, ये एक अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष बीचों बीच से हो जाती है, हमने बताया था ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो आती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये प्रकाश किरण एक आई सीधी बिल्कुल आनी चाहिए, एक ये सीधी प्रकाश किरण आई, एक ये सीधी प्रकाश किरण आई बिल्कुल, यानी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, और ये दर्पण पे टकराने के बाद परावर्तित होकर देखिए इस बिंदु पर मिल रही, इस बिंदु पर मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर मिल रही, इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसे कहेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अब उत्तल के लिए क्या होगा, थोड़ा सा हम आपको डायग्राम बना के समझाते हैं। अगर उत्तल दर्पण आई है, अब देखिए ये उत्तल दर्पण है बाहर की ओर उभरा हुआ, उत्तल दर्पण है ध्यान दीजिएगा बाहर के ऊपर, ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब इस पे ये देखिए ये किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई,
ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, लेकिन ये टकरा के ऐसे परावर्तित हो जाएगी पीछे की तरफ, वापस जाएगी, ऐसे परावर्तित हो जाएगी पीछे की ओर। तो हमें लगेगा इसे अगर हम आगे बढ़ाएं डॉटेड लाइन से, इसे आगे बढ़ाएं डॉटेड लाइन से, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये किरण जो है परावर्तित वाली इस बिंदु से निकलती हुई जा रही है, इस बिंदु से निकल के बाहर जा रही है। तो इस बिंदु को कहेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। लेकिन आपको दोनों की परिभाषा एक साथ लिखनी है। पेपर में पूछा जाता है गोली दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, उत्तल अवतल नहीं पूछा जाता है। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, जरा डायग्राम पे ध्यान दीजिए। हम लिखेंगे किसी गोलीय दर्पण की, ये लाइन क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, ये देखिए, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये देखिए मिल नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे आके ऐसे मिली है, ठीक है। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या हम कह सकते हैं अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अपसरित का अर्थ क्या होता है, अपसरित का मतलब निकलना। तो ऐसा लग रहा है इस बिंदु से किरण निकली है, इस बिंदु से ये किरण निकली है, तो अपसरित होती हुई दिख रही है। फिर एक बार परिभाषा समझ लें, किसी गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती, अपसरित यह शब्द आएगा, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अवतल वाले का किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण का फोकस किधर है, पीछे की तरफ, और उत्तल दर्पण का किधर है, देखिए आगे की तरफ है। ये बात विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल वगैरह में इसका यूज होगा। उसके बाद में आता फोकस दूरी, उसके बाद में आता है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। देखिए फोकस दूरी क्या होती है, इसे स्मॉल एफ से, इसे स्मॉल एफ से, ये मोड़ देते हैं, स्मॉल एफ हो गया, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फोकस दूरी क्या होती है, अभी जो हमने आपको फोकस बिंदु बताया था, देखिए ये गोली दर्पण कोई सा ले लें, ये एक गोली दर्पण है, हमने अवतल वाला लिया, ये इसका ध्रुव है P और ये इसका अभी हमने फोकस बताया ये है F। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी। तो परिभाषा क्या हो गई, किसी गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, एक ही बात है, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई आपकी दर्पण से संबंधित छह परिभाषाएं, इनमें से एक ना एक पूछ लेते हैं पेपर में, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हमने आपको इससे पहले बताया था वक्रता केंद्र बताया था, यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र था सी, वक्रता त्रिज्या बताई थी किससे नोट करते थे आर से। तो अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध भी हम आपको डेरिवेशन है ये कराएंगे। फिलहाल अभी हम बता दे रहे हैं कि किसी भी दर्पण की ये जो वक्रता त्रिज्या है आर, ये फोकस दूरी की दो गुनी के बराबर होती, ध्यान रखिएगा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दो गुने के बराबर होती है, ये स्पेशली ध्यान रखिएगा, खूब पूछा जाता है, ठीक है। R बराबर 2F, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं इनके यूज बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत मन लगा के समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहे हैं, ये आपके इंटर में भी काम आएंगी,
इंटर में लाइट जो है प्रकाश पूरी एक बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत नंबर की पूछी जाती है। इंटरमीडिएट में हमारे जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल पास होके जाते हैं उन्हें इंटर में लाइट बहुत आसान लगती है, क्योंकि जो इंटर में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें हम पहले ही हाई स्कूल में ही सब पढ़ा के भेजते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इंटर में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन हम पहले ही इतना डिटेल में पढ़ा देंगे कि इंटर में आपको बहुत ही आसान लगेंगी। लाइट को सब लोग बहुत कठिन यूनिट मानते हैं इंटर में, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हाई स्कूल पास करके जाते हैं जो हमसे पढ़ के, उन्हें लाइट बहुत ही आसान लगती है, क्योंकि हम एक एक पॉइंट कई कई बार क्लियर करा देते हैं। हाई स्कूल वाले बच्चों आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, आप लोगों के मन से जो बोर्ड का डर है उसे आप निकाल दें, बिल्कुल कतई डरने की जरूरत नहीं है। आप हमारे बस हमारे ऊपर विश्वास रखें और हमसे जो जाए मैथ और साइंस बिल्कुल चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई वर्डन आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल भी कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय ख़राब चल रहा है, कोचिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है, तब तक ऑनलाइन पे पूरा फोकस करें आप लोग। हम एक एक नोट्स आपको देंगे, जो कुछ अभी हमने आपको पढ़ाया इनकी डिफिनीशन लिखी हुई पूरे नोट्स आपको बांटेंगे, एक दिन बुलाएंगे कोचिंग में, रजिस्ट्रेशन आपका कराएंगे, आपको नोट्स देंगे। ठीक है, तो आपके नोट्स तैयार होते आएंगे और समझा हम सब देंगे एक एक चीज। अगर हम एक एक डिफिनीशन यहाँ पे लिखवाएंगे तो टाइम बहुत बर्बाद होगा। ठीक है, तो एक एक डिफिनीशन डेरिवेशन सबके हम आपको नोट्स देंगे और यहाँ पे सब समझाएंगे, एक बार नहीं चार चार बार कम से कम हम आपको समझाएंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पणों के उपयोग, गोली दर्पण के यूज क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के उपयोग। टेंथ वाले जो बच्चे आए हैं, नाइन्थ वाले, वो घबराएं कतई नाम से, ठीक है, ना डांटते हैं ना मारते हैं, ऐसे ही बहुत प्यार से हम पढ़ा देते हैं, सब बच्चों को समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, डराते हैं लेकिन मारते वरते नहीं है, ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण के यूज क्या है, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहला यूज अवतल दर्पण का, जैसे आपका, आपने कभी डॉक्टर पास गए होंगे, नाक में या कान में या गले में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ENT क्लिनिक आपने सुने होंगे, नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं, जो नाक कान और गले का इलाज करते हैं, ENT की क्लिनिक जो कहलाते हैं, ठीक है, नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे नाक के अंदर या गले के अंदर की या कान के अंदर के छोटे छोटे अंगों को चेक करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, नाक कान गले के डॉक्टर हमारे नाक कान गले के अंदर के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स यानी अंगों का निरीक्षण करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा यूज समझ लीजिए, ये जो हजामत बनाए नाई की दुकानें होती हैं, सेब बनवाने जाएं, ये सजापुर वाली नहीं जहां आप 5 रुपए में सेब बनवाए या 10 रुपए में बाल कटवाए, वो नहीं, अच्छी स्टैंडर्ड दुकानों पे जाएं, बड़े बड़े शहरों में जो होती हैं जिन्हें सैलून्स वगैरह कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ पे जो सामने का शीशा होता है, हम लोग जब बाल कटाने नाई के पास जाते हैं सामने एक बड़ा सा शीशा लगा होता है, उसे आप छू के देखें बिल्कुल प्लेन होता है, वो तो समतल दर्पण होता है, लेकिन अगर अच्छे सैलून पे जाएंगे या अच्छी जगह जाएंगे, बहुत बड़े किसी नाई की दुकान पे जाएंगे, स्टैंडर्ड दुकान पे, तो वहाँ पे जो सामने का दर्पण होता है वो समतल दर्पण नहीं होता, वो अवतल दर्पण का यूज वो लोग करते हैं। उसमें क्या होगा, जब आप सेब वगैरह बनवा लेंगे तो चेहरे पे अगर महीन महीन छोटे छोटे बाल छूट गए हैं तो वो उस दर्पण में बड़े बड़े और साफ दिखाई देंगे। तो दूसरा यूज क्या है, हजामत बनाने की दुकानों पर सामने का जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे कि चेहरे के बहुत महीन महीन बाल या दाग धब्बे साफ दिखाई दे सकें। ध्यान रखिएगा, जो सस्ते वाले 5 रुपए वाले नाई के पास मत जाइएगा, बाल नहीं देखने मिलेगा आपको। तीसरा यूज समझे, तीसरा यूज ये है अवतल दर्पण का, ध्यान रखिएगा, जैसे कि टॉर्च है, टेबल लैंप है, या कार या मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट है जिससे रोशनी निकलती है, ठीक है, इन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर समझिए टॉर्च, देखिए अगर हम टॉर्च को ऑन करें तो टॉर्च की रोशनी बिल्कुल सीधी जाती है बहुत दूर तक, मोटरसाइकिल को रात में ऑन करें और लाइट उसकी ऑन करें तो उसकी रोशनी सीधी जाती है, इधर उधर नहीं फैलती है, सीधी जाती है, ठीक है। कार का जो इंजन, ट्रेन का जो इंजन होता है उसमें देखिए बल्ब, उसकी रोशनी बहुत दूर तक सीधी जाती है, तो
ध्यान रखिएगा, मोटर कार के जो हेडलाइट हैं उनमें, टॉर्च में, टेबल लैंप में, इन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जिससे कि समांतर किरण पुंज उत्पन्न किया जाता है। समांतर लो सीधा, ठीक है, समांतर किरण पुंज उत्पन्न किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग करके। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक मिनट, इसके आगे आप समझ लीजिए थोड़ा सा और। अभी अवतल दर्पण का तीसरा यूज हमने क्या बताया कि मोटर कार की हेडलाइट में, टेबल लैंप में, टॉर्च में और भी बहुत जगह है, ठीक है, उसमें समांतर सीधी किरणें उत्पन्न करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा बहुत सी अब दूरदर्शी ऐसी बनी है, उनमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिलहाल तो तीन पूछे जाते हैं, हमने चार आपको बता दिए, नोट्स देंगे तो एक दोस्त में और एक्स्ट्रा लिखे होंगे। उसके बाद में आते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण के यूज थोड़े से कम होते, ज्यादा यूज नहीं होते हैं। उत्तल दर्पण का देखिए सबसे मुख्य काम क्या होता है, उत्तल दर्पण का सबसे मुख्य काम तो ये है कि बहुत दूर दूर फैली वस्तुओं का प्रतिबिंब थोड़ी सी जगह में लाके बना देना, ठीक है। आपने देखा होगा एटीएम वगैरह में छोटे छोटे दर्पण लगे होते हैं, इतना छोटा सा दर्पण लगा होगा और आप आगे पिन वगैरह डाल रहे हैं एटीएम में, उस छोटे से दर्पण में पीछे का दिख जाएगा आपको कि पीछे वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, छोटे से दर्पण में। तो वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। दूसरी बात, ये जो कार का ड्राइवर जो होता है, ट्रक का ड्राइवर, उसके ऊपर एक छोटा सा शीशा लगा होता है या साइड में इधर उधर दो शीशे लगे होते हैं, जब ड्राइवर गाड़ी को बैक करता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो उन शीशे में देखता रहता है, उन शीशों में पीछे से आने वाली गाड़ियों की के चित्र जो है दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कार में, ट्रक में ड्राइवर सीट की सीट के सामने छोटा सा जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। उस दर्पण के द्वारा वो पीछे से आने वाली गाड़ियों को आसानी से देख सकता है। पहला यूज तो ये हो गया। दूसरा यूज, आपने देखा होगा चौराहों पे जो लैंप लगे होते हैं, मतलब लाइट लगी होती है, उनका प्रकाश बहुत दूर दूर तक फैलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लाइट लगी होती है उसके पीछे उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है। उत्तल दर्पण जो है वो प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। तो चौराहों पे लगे इलेक्ट्रिक लैंप्स यानी विद्युत लैंपों में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और बहुत ज़्यादा उत्तल दर्पणों का उपयोग नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज जितना हमने पढ़ाया खूब अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने आपको गोली दर्पण पढ़ाया, गोली दर्पण के उपयोग पढ़ा दिए और दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं हमने पढ़ा दी, आपको खूब समझ में आ गया हो। अगले वीडियो में इसके आगे काम आपको पढ़ाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।